प्रोसेस ट्राइब्यूनल में जो मामला आया अभी आपके हक में, ट्राइब्यूनल ने कहा एक सरकार को कि जी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेबल कीजिए, कितना अहम जजमेंट मानते हैं आप इसको? ये ऐसे है कि हमने जो शुरू से हमारा स्टैंड रहा है कि हर एक चीज को ये सीक्रेट बोल के बंद करके बैठे हुए हैं, तो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे ये डॉक्यूमेंट जो हैं ऑन रिकॉर्ड आए, तो अभी कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए बोल दिया है एंड मैं समझता हूं कि बहुत जल्द फैसला होगा और जस्टिस डिस्पेंस बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको जस्टिस मिलने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स का टेबल होना ट्राइब्यूनल के सामने कितना अहम है, कितना इम्पोर्टेंट है ये डॉक्यूमेंट्स? हर एक चीज को जो गवर्नमेंट बोलती है सीक्रेसी के नीचे ले जाती है, क्योंकि ये जनरल जितने रहे हैं इनका रोल तो तभी जब पता लगेगा, तो जब कि ये सीक्रेसी का वेल उठेगा ऊपर, तो ये डॉक्यूमेंट्स बड़े क्लियर हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसा क्या है इन डॉक्यूमेंट्स में जिससे आपको लगता है कि जस्टिस विल बी इन योर फेवर? वो आपको इंतजार करना पड़ेगा कोर्ट के डिसीजन के लिए, क्योंकि कोर्ट ने पढ़ने हैं डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट ने ओपिनियन बनाना है और कोर्ट ने फिर जजमेंट देनी है, और मेरा कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं क्योंकि जानता हूं हर एक चीज के बारे में, मुझे 100% उम्मीद है कि जस्टिस जल्दी मिलेगा मुझे। तो चिट्ठियां आपने लिखी थी आर्मी हेडक्वार्टर्स को, जू का भी जिक्र आया है इसमें कि वहां के जो ट्रूप्स थे उनको जू बनाने के लिए भेजा गया, ऐसा क्या स्पेसिफिकली आपने क्या लिखा था उसमें चिट्ठियों में क्या लिखा था? जू के मुझे बताया गया कि जू बनाएंगे, जीओसी, मैं लड़ाई के लिए वेपन मांग रहा था, डिफेंसेस मांग रहा था, जीओसी बोले जू बनाएंगे, एनिमल पकड़ो, ये पकड़ो, और ट्रूप्स आगे से निकाल के जू में इस्तेमाल हुए, और डिफेंस स्टोर जो थे जो वहां यूज होने थे वो पीछे लेह में जू बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे, जो प्लांट था डिगिंग मशीन एंड ऑल दे वर यूज देयर। सो जब हमने ये डॉक्यूमेंट उनको पूछने के लिए ऑन रिकॉर्ड किया, बोलते ये नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित है, ये आपको वकील साहब मेरे बताएंगे, आप उनको पूछना पड़ेगा क्योंकि मुझे ठीक से सुनता नहीं है और मुझे ठीक से पता भी नहीं लगा उस दिन, तो आप उनके पास बैठ के पूरा डिस्कस कर लीजिए। कैन यू रिकॉल की एग्जैक्टली व्हाट वर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की जब आपसे जब आपने बोला कि जी इस तरह की सिचुएशन है, तो जो रिस्पॉन्स था या जो जू की बात आई, क्या रिस्पॉन्स था टॉप हायरार्की का वहां पे? ये तो सबको पता है कि पूरी हायरार्की ये मानने को तैयार नहीं थी कि वॉर इज ऑन ऑलमोस्ट, ओनली वन पर्सन हु वाज शाउटिंग ऑन द टॉप ऑफ हिज वॉइस के नाउ द वॉर इज ऑन, सो एंड सो पीपल हैव कम, सो एंड सो हैव कम, द एनिमी इज डिप्लॉयड लाइक दिस, सो दिस वाज वन ऑफ देम, एंड आई थिंक यू विल हैव टू वेट ऑन 2nd December व्हाट दिस इज।